हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाली हूँ न्यूली लॉन्च मार्स कैंसिल कंसीलर। इसे मैं यहाँ पे अप्लाई करके डेमो दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा आता है, जो भी ये क्लेम करता है वो सही है या नहीं। इसलिए मेरे वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करेंगे। ये आता है कार्डबोर्ड पैकेजिंग में। इसकी इनर पैकेजिंग कुछ ऐसी है फ्रॉस्ट बॉटल में। यहाँ पे मैंने परचेस किए हैं दो शेड। एक का प्राइस ₹249, शेल्फ लाइफ मिलती है 4 ईयर्स की, प्रोडक्ट मिलता है 6 ml। मेरे पास जो दो शेड है, एक है 03 क्रीमी बीच, 06 हनी ग्लो। बैक में यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, ये क्या क्लेम करता है। तो चलिए गाइस जान लीजिए ये क्या क्लेम करता है। ये क्लेम करता है कि जितने भी फेस पे इम्परफेक्शन है, ब्लेमिशेज है, डार्क सर्कल्स है, उसे कंसील करेगा, एक रेडिएंट लुक प्रोवाइड करेगा, नेचुरल स्किन फिनिश देगा, फ्लॉलेस बेस प्रोवाइड करेगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो गाइस ओवरऑल मैंने यहाँ पे 06 को एज अ कलर करेक्टिंग के तौर पे यूज किया है, 03 को एज अ हाइलाइटिंग कंसीलर। जब मैंने इसे अपने डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स पे अप्लाई किया तो ये मुझे थोड़ा सा थिक लगा, लेकिन जब मैंने इसे ब्लेंड करना स्टार्ट किया बहुत ही इजिली ये ब्लेंड हो गया। एक तरफ से ये स्किन को हाइड्रेट भी करता है, इसका जो फिनिश है बहुत ही नेचुरल है। फिर जाके मैंने इसे एज अ बेस के तौर पे भी अप्लाई किया अपने हाफ फेस पे, उससे भी रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला। मेरा बेस बहुत ही ज्यादा रेडिएंट, ड्यूई, नेचुरल टाइप का लुक दे रहा था इसे अप्लाई करने पे। स्टेइंग पावर की बात करूं तो बहुत अच्छे खासे टाइम तक रहता है। अफोर्डेबल में ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है। कोई अगर इसे परचेस करना चाहता है तो मैं उन लोगों को जरूर रेकमेंड करूंगी, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, एक बार ट्राई आउट करें। और हाँ गाइस, मेरा ये रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। बाय गाइस, टेक केयर।